ध्वनि शर्मा है और आज हम बात करने वाले हैं त्योहारों के बारे में कि त्योहारों पर हम अपने घरों की सजावट कैसे करें। इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। त्योहार हमारे घरों में प्रसन्नता ले आते हैं, वे हमारे लिए प्रसन्नता का प्रतीक होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी सजावट हम अपने हिसाब से अपने अनुसार करें। तो उसके लिए हम सोचते हैं कि हमें सारी चीजें घर में ही उपलब्ध हो जाए, तो इसलिए आज हम कुछ इजी तरीके सीखेंगे जिनसे हम घर में ही चीजें उनकी तैयार कर सकते हैं जो हमें त्योहारों पर मोस्टली चाहिए रहती हैं। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होता है हमारा स्टेज। किसी भी त्योहार पर जब हम भगवान जी को विराजमान करते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके पहले थोड़ा अच्छे से डेकोरेटेड रहे, उन्हें हम जहाँ विराजमान कर रहे हैं वो जगह थोड़ी डेकोरेटेड रहे। तो हम स्टेज जब अगर उसके बैकग्राउंड में कुछ अच्छे डिजाइन कर देते हैं तो वो बहुत ही प्यारा लगता है, वो पूरा हमारा अच्छा लगने लगती है सारी सजावटें। तो इसलिए आज हम स्टेज का सिंपल तरीका सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ी थाली या फिर कोई हुपला आपके पास हो तो वो हम यूज करेंगे। उस पर कोई भी बड़ी आप सर्कुलर चीज ले लीजिए, उस पर कोई सुंदर सा कपड़ा, कोई चुन्नी, ऐसे कोई भी चीज आप उस पर लपेट लीजिए और उसको उससे पूरा कवर कर दीजिए। बैक साइड में आप रबर बैंड लगा दीजिए या उसे टाई कर दीजिए और उसके बाद फिर आगे आप उसमें कोई गोटा, लेस, पेपर के फ्लावर्स या फिर गोटे वाले फ्लावर्स, कोई भी कुछ भी अच्छे से डेकोरेटेड चीज यूज करके उसे डेकोरेट कर लीजिए। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस तरह का कुछ बना सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे गोटा लगा दिया है और यहाँ पर ये देखिए फ्लावर्स आप देख सकते हैं इधर, तो ये बहुत प्यारा लगता है पीछे लगा हुआ। इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके भी पीछे। अब इसके ये सिर्फ सर्कुलर पार्ट ही तो अच्छा नहीं लगता, इसके पीछे भी कुछ चाहिए। तो उसके लिए आप लीजिए एक थर्माकोल शीट या फिर ले लीजिए कोई कार्डबोर्ड बड़ा, आपकी साइज जो भी आपका स्टेज है उसके साइज के अकॉर्डिंग, या फिर ले लीजिए कोई प्लाईवुड जैसे मैंने ली है और उस पर लगा दीजिए कोई लेस या फिर कोई भी डेकोरेटेड आइटम इस तरह से, तो ये बहुत ही प्यारा सा लगेगा और ये सजावट में बहुत ही सुंदर लगता है, इससे आपका स्टेज एकदम सुंदर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीजों की। जैसे कि हम कोई भी त्योहार होता है तो हम चाहते हैं कि जिन भी भगवान जी का त्योहार है तो उनसे रिलेटेड उनकी पसंदीदा चीज हम रखें पास में, तो वो रखने के लिए हम डायरेक्ट ही रखते हैं तो वो इफेक्ट नहीं आता। इसलिए हम यहाँ पर एक कोई भी अच्छा सा क्लोथ ले सकते हैं, जैसे मैंने इस क्लोथ पर यहाँ पर गोटा लगाकर इसको थोड़ा सा डेकोरेटेड बना दिया है कुछ इस तरह से, तो इस पर थोड़े फ्लावर्स लगाकर और इसके पीछे से थोड़ी सिलाई कर इसे अच्छे से डेकोरेट कर लिया है, तो इस पर हम वो चीजें रख सकते हैं। अब वो हम इस पर रखें क्या, तो जैसे कि वो चीजें हो गई हमारी ये रहता है डांडिया वगैरह होते हैं या बांसुरी या मोर पंख, जो भी आप रखना चाहें जो भगवान जी के प्रिय हो वो चीज आप वहां रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये डांडिया मैंने रख रखे हैं। और अब हम बात करते हैं भगवान जी के मुकुट या पगड़ी, जो भी आप बनाना चाहें उसकी, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप कोई भी एक छोटी डिब्बी ले लीजिए, उस पर फॉइल से आप उसको कवर कर लीजिए। इस डिब्बी जैसे मैंने इतना साइज ये लिया है, तो आप मूर्ति हो आपके पास कोई तो आप उसके साइज के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको बेस बनाते हुए इस डिब्बी को आप इस पर फॉइल लगाइए, आगे का पार्ट छोड़ दीजिए, बस बैक साइड में आपको लगाना है और फिर उसको पूरे को अच्छे से कवर कर लीजिए। अब आप उसको निकाल लीजिए और उस पर डेकोरेटिव टेप या फिर कोई दूसरे आइटम से आप उसको डेकोरेट कर लीजिए, तो वो लगेगा कुछ इस तरह से, जैसे मैंने इस पर बीड्स लगाकर किया है, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से लगेगा। अंदर ये खाली है तो आप इसे पहना भी सकते हैं, इस तरह से ये बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे मैंने मेहंदी का कोन भी रखा है। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की। जैसे हम किसी हमारे फैमिली मेंबर का बर्थडे होता है तो हम उनके लिए कार्ड बनाते हैं, उनको एकदम अच्छा सा एक कार्ड बनाकर देना चाहते हैं। उसी तरह मैंने सोचा कि हम क्यों ना भगवान जी के लिए भी कार्ड बनाएं, तो मैंने ये देखिए यहाँ पर मैंने ये कार्ड्स बनाए हैं जन्माष्टमी के, गणेश चतुर्थी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
इस तरह से आप अपने पसंद का मैटर उसमें लिख सकते हैं इस तरह से। तो आपको जो भी अच्छा लगे उस तरह से आप अपना पसंद का मैटर लिख दीजिए और उस ऐसे कार्ड आप बना सकते हैं। अब हम और सजावट जो कि फ्लोर पे आती है, तो फ्लोर की बात करें तो देखिए रंगोली सबसे बेस्ट रहता है फ्लोर की सजावट के लिए, तो रंगोली हम बना सकते हैं। तो रंगोली के आइडियाज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने दूसरे वीडियो में। फिर अब हम थोड़ा सा वैसे डेकोरेशन जो पर्दे वगैरह पे हम करते हैं, तो आप इस तरह के कुछ फ्लावर्स लगाकर बो बना सकते हैं या इस तरह का कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे किया है, यहाँ पर जैसे थोड़े रिबन्स मैंने लगाए हैं, इस तरह से भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। और आगे देखें तो अब उनके आसन की बात करते हैं, तो हम आसन को एक सिंहासन जैसा लुक कैसा दें, वो कैसे बनाएं हम उसको और भी अच्छा। तो वो बनाने के लिए ये देखिए मैंने क्लॉथ को पहले डेकोरेट किया है इस तरह से, और उसके बाद ये ली है एक छोटी सी चौकी, और यहाँ पर मैंने बनाए हैं दो मसंड, उसके अकॉर्डिंगली मैंने दो मसंड बनाए हैं। ये हम जैसे हम हैंकी से बनाते हैं उसी तरह आप कोई सुंदर से कपड़े से बना सकते हैं। और मैंने एक न्यूज़पेपर पर एक सुंदर सा वेलवेट का कपड़ा मैंने उस पर रोल किया है और थोड़ा सा गोटा लगाकर उसे सजाया है कुछ इस तरह से। इसके अंदर न्यूज़पेपर है, थोड़े मोटा बनाना है अगर आपको तो आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, तो इस तरह से आप इसे रखिए। अब ये तो आ जाएगा आपके सिंहासन के यहाँ पे इसे पीछे की साइड बैक साइड में, यहाँ पर दो आपके मसंड इस तरह से लग जाएंगे साइड में, ऐसे आपके लग जाएगा ये, तो ये बहुत ही प्यारा सा लगेगा और यहाँ पर आप विराजमान करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम ये तैयारी कर सकते हैं। तो आपको कैसे लगे ये आइडियाज, आप भी इनको जरूर ट्राई कीजिए। ये आपके घर के सामान से ही बहुत झटपट बन जाते हैं और इजीली एकदम अच्छा लगता है, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।